आंखें एक टप्पा के चेहरे पे आ गई मुस्कान। मैं इंजीनियर जरूर भारद्वाज, फिर एक नई प्रॉब्लम के प्रमाण सूचने का दोस्तों, गाड़ी है हमारे पास अल्टो K10 Type 2, जो अल्टो पहले सेगमेंट के बाद दूसरा सेगमेंट आया था टाइप 2, और गाड़ी में कुछ दिक्कत है, कस्टमर की जुबानी सीमेंट थंडर की आवाज आ रही है लेफ्ट साइड से, और इसके स्टीयरिंग में स्टीयरिंग रॉड में भी से आवाज आ रही है, तो दोस्तों खड़ खड़ की आवाज आ रही है, ठल ठल खड़ खड़ जो भी आवाज है सब बंद करेंगे। तो बन रहे वीडियो में क्या हो सकता है, गाड़ी में रिपेयरेबल हो सकता है या चेंज करना पड़ेगा, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों इसे कहते हैं स्टीयरिंग रैक, जो हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम है इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये लेफ्ट साइड से नॉइस कर रहा है, राइट साइड से नहीं है, और अगर राइट साइड से भी नॉइस हो तो हम क्या करते हैं इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि राइट साइड से अगर नॉइस आना स्टार्ट हो जाए तो इसके गियर कट जाते हैं, और यहाँ डंपर भी है, इसको भी टाइट करके चेक कर सकते हैं और नॉइस जा सकती है, ये डंपर है ये बताया कई बार, बट अभी केस देखिए यहाँ पे केस है, इस तरफ नॉइस है, तो ये यहाँ क्या हुआ, पानी एंटर किया है जिसकी वजह से रस्टिंग लग गई है, तो दिक्कत हो गई है, और ये देखिए यहाँ पे आप देखते हैं ये हिल रहा है, ये इसमें प्ले है। अटेंडेंट साहब जल्दी आओ इधर, अटेंडेंट साहब आप चेक करो खुद, पकड़ो उसको यहाँ से, ये देखो हिलाना इसको इधर उधर को, प्ले है यहाँ से दिख रही, काफ़ी प्ले दिख रही है यहाँ से, ठीक है जी। तो चेक करते हैं, एक छोटा बूश है प्लास्टिक का, बहुत सस्ता है, इसको डाल के आवाज़ चली जाएगी और पैसा बचा देंगे इनका। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो रैक है ये ख़राब हो गया है, रैक साफ कीजिए तरुण जी, इसको थोड़ा सा तेल लगाना है। तो दोस्तों एक बार डलेगा या नहीं डलेगा ये चेक करेंगे, अगर इससे भी बात नहीं बनेगी फिर हम स्टीयरिंग चेंज कर देंगे, जिसका स्टीयरिंग रैक है। तो पहले इसके ऊपर प्रैक्टिकल तो करें, बस चल पड़ेगा, बिल्कुल टाइट जा रहा है, बहुत टाइट है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा इस पर रस्टिंग है, जंग है, इसको हटा के बिल्कुल फ्री चलेगा, तो इसका मतलब है कि काम हो गया सस्ते में। चलो चलो जोर का जोर का खींचो, राइट मजा आ रहा है, चलो 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 इसको खोलो फटाफट, लीजिए पाइप रेंच लीजिए जल्दी, यहाँ होल्ड कर दिया, चलो स्लाइड रेंच लीजिए, ठीक है एंटी क्लॉक वाइज, राइट अब इसको तरीका खोलने का यहाँ पे, ठीक है जी इसको होल्ड कर दीजिए यहाँ पे, उल्टा पंच वाइज पे, ठीक है हो गया, क्या पता होता है कई बार, ये लीजिए खोलिए फटाफट खोलिए जल्दी। तो साथ साथ आप भी सीखें, सीखने वाले बच्चे हैं, नए नए स्टाफ नर्स से आए हैं अभी, पूरे इसमें स्टाफ नर्स फैली हुई है, क्योंकि हमारे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लाइन को एक गंदा सा रिव्यू मिलता है, क्या गंदे कपड़े पहने, क्या काले कपड़े पहने, तो शादी करना भी मुश्किल हो जाता है, और जो नोट है तो बिल्कुल पीले पीले नोट है। तो दोस्तों ये है हमारा पिनियन, पिनियन देखिए गियर कटे हैं, बेवल गियर कहते हैं ना, बेवल जो आपको दिख रहे हैं बेवल गियर, हम कहाँ यूज करते हैं, एट 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करने के लिए, यहाँ से आपकी स्टीयरिंग कॉलम रॉड लगी रहेगी, और यहाँ पिनियन, तो यहाँ क्या एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा है बट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो ये क्या करता है, जैसे आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है इसके अंदर, घूमता है, और पकड़िए इसे बस ध्यान से, ये है आपके पास एक रॉड, इसके अंदर रॉड निकलती है, देखिए इसे कहते हैं आप रैक। रैक क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल बार है, एक रॉड है सिलेंड्रिकल, उसमें क्या किया हमने गियर कटे हैं, यहाँ देखिए एक साइड को गियर कटे हैं, इज कॉल्ड आपका रैक। तो ये दोनों आपस में दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये दोनों आपस में मैच करते हैं यहाँ पे, जैसे हम स्टीयरिंग काटते हैं तो ये इस
जो इधर से उधर जाना इसका जो रहता है, इसे कहते हैं हम लीनियर मोशन। इसे कहते हैं लीनियर मोशन। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सीखने वाले बच्चे बहुत है दुनिया में। इतने कुंवारे बैठे हैं, शादियाँ नहीं हो रही है, काम सीखना पड़ेगा तभी उसके बाद शादियाँ होंगी। काले हाथ से नहीं डरना है, लाल हाथ से नहीं डरना है। कपड़ा दीजिए। ठीक बोल रहे हैं सर, ब्याह नहीं हो रहा है और नौ तौलिया का हाथ तेरे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दिख रहे आपको फ्री प्ले, पुराना हो गया है काफ़ी, तो न्यू इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए ये टाइट है काफ़ी, आप देख सकते चलाना भी काफ़ी भारी हो रहा है। ठीक है जी, अब इसमें चेक करो, दिख रही है घंटी बज रही है। तो ये हमारा पुराना जो है ये रखेंगे हम राइट साइड में, जो पुराना है इसको राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड का बिल हमारा रहता है पक्के में, तो दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड का हम क्या करेंगे, नया डाल देंगे नई जान के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है रैक का बुश है, इसको भी इंस्टॉल कर दिया प्रॉपर, तो देख सकते हैं आप एक बार चेकिंग के लिए, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइड हो रही है, स्लाइड होनी चाहिए रॉड, जाम नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल प्ले नहीं रही दोस्तों, बिल्कुल टाइट कर दिया इसको। दोस्तों ये है डंपर, यहाँ ध्यान रखना है इसको, जैसे चल रहे हैं साथ साथ इसको टाइट भी करना है, एक टाइम आएगा जाम हो जाएगा। अब हो गया दोस्तों जाम, चलिए जो लगाइए, खाते पीते नहीं है। खाना पीने का मतलब है खाना खुना ढंग से खाना, डाइट वाले घी देसी की दूध आधा। चलो और अब देखिए, देखिए दोस्तों लूज कर दिया, कैमरा मैन फोकस कीजिए, यहाँ दिखाइए इस चीज़ को, ये सिखाने की चीज़। ये यहाँ पे ये टाइट हो गया, देखिए जो ले रहा है, यहाँ पे हल्का सा कीजिए इसको लूज, चलिए ये चल पड़ा हुआ इतना सा, फ्री प्ले छोड़ रहे हैं, जिससे कि गाड़ी, जब आप गाड़ी को क्या करेंगे स्टीयरिंग टर्न करेंगे, जब स्टीयरिंग को छोड़ते हैं आप तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग अपनी जगह आ जाता है। तो ये है वो फ्री प्ले, अगर ज़्यादा प्ले आ जाए तो गाड़ी क्या करती है, राइट साइड से ढक 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 करना स्टार्ट कर देती है, तो इसी से सेट हो जाता है। जब हम जो गाड़ी को चलाया था तो ये साइड कोई आवाज़ नहीं थी, लेफ्ट साइड आवाज़ थी, लेफ्ट साइड आवाज़ से हमने बूस्ट डाल दिया। कई बार रैक भी कट जाता है तो रैक चेंज कर देते हैं इस कंडीशन में, लाइए नया बाल ज्वाइंट दीजिए। तो दोस्तों लेफ्ट साइड को डाल दिया हमने नया स्टीयरिंग बाल ज्वाइंट, क्यों बताया मैंने आपको, लेफ्ट साइड में ऐसा गाड़ी एकदम से जैसे कोई गाड़ी आगे से आती है तो लेफ्ट में आप निकालते हैं बाहर, तो गड़ 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 लेफ्ट सस्पेंस में पड़ता है प्रेशर, तो इसको डाल दिया नया इधर, इधर का डाल दिया उधर, उधर का था राइट का खराब। तो दोस्तों बिल्कुल कस्टमर को हमने बचा दिया, और देखिए कटप्पा के चेहरे पे आ गई मुस्कान, कटप्पा डबल बार हमने दोस्तों इसमें लपेटा मारा लपेटा, क्योंकि इसको प्रॉपर टाइट करना, पानी अंदर चला गया तो आपका रैक क्या है स्टेयरिंग खराब हो जाएगा, कई बार डस्ट बूट कट जाता है तो उसको बदला दे, सर्विस में चेक करा ले, 100 रुपए की आइटम है, 4-5 हज़ार का नुकसान होने से बच सकते हैं आप। फाइनली ओके भी गुनिया जी, फिट करो फास्ट। अब तो नहीं आ रही उतनी आवाज मेरे को, नहीं वैसे पहले तो ऐसा था, दो कदम भी चलेंगे तब भी वो आ जाएगी, कट 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 कट। देखो यहाँ देखो आराम से निकल गया है ना। कटप्पा खुश हुआ कि नहीं हुआ? खुश हुआ, आवाजें खड़खड़ धड़ धड़ बंद। दोस्तों तो ये खुशी चाहिए हमें, छोटा छोटा काम होता है कई बार जो हम आपके साथ क्या करते हैं शेयर करते हैं कि ऐसे करके वैसा हो सकता है, जेन्युइन वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं बनाते दोस्तों, जेन्युइन काम होगा और जेन्युइन वीडियो बनेगी, क्योंकि काफ़ी पेशेंट आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, इतने हैंडल नहीं हो सकते, टैकल नहीं हो सकते कुछ एक के साथ, जैसे अब K10 है तो इसकी टेक्नोलॉजी समझा दी, तो ऑल K10 लवर जिनका K10 है तो ये ऐसे तरीके से काम हो सकता है। तो दोस्तों जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान।